हाय एवरीवन, दोज हू आर लाइव। ओके, यस आई एम विजिबल। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, दोज हू आर लाइव कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स प्लीज। यस, देयर वाज अ ग्लिच एंड नाउ इट इज रिजॉल्वड। ओके, हाय इशू, हाय एवरीवन। ओके, शुरू करें बेटा आज का सेशन। अभी हमने एक सेशन कंप्लीट किया, क्या कह रहे हो आज का सेशन शुरू करें बेटा? राइट, कंप्लीट 12th के राइट। कभी कभी ऐसा छोटा ग्लिच आ जाता है, राइट, डोंट गेट सो मच वरीड। ना मुझे लग ही रहा था, राइट, जिस सिस्टम से, जिस इंटरफेस से हम ऑपरेट करते हैं, कभी कभी इस तरीके का छोटा मोटा बग आ जाता है। इसमें टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, राइट, है ना? ठीक है, ये क्या था? परफेक्ट है, ओके। ये बग्स आते रहते हैं, राइट। चलिए गाइज, अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्रोम में जाके इस लिंक को राइट प्रेस कर दीजिए। आपको इसमें ना 11th एंड 12th का ग्रुप मिल जाएगा, राइट। और 11th एंड 12th ग्रुप में अगर आप चले जाओगे, राइट बच्चा, तो बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। 11th एंड 12th ग्रुप में अगर आप चले जाओगे, राइट, तो बहुत 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 सिंपल सी चीज है, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, सेशन के सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, राइट। सारे सेशन के अपडेट्स मिल जाएंगे, जो भी हो रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं, राइट। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बता देता हूँ, कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ले रहे हैं लाइव क्लासेस, राइट। आप उनके साथ सीधा इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको अपनी ऑल ओवर इंडिया रैंक तुरंत बताएगा। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस है, राइट, हाँ, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। हर एक चौथी क्लास जो होती है वो लाइव डाउट क्लियरिंग होती है, राइट। आपको जुड़ना कैसे है अनअकैडमी लर्निंग, आपको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, राइट, हाँ, सिलेक्ट कर लीजिए प्लस की कैटेगरी, सिलेक्ट कर लीजिए 11th एंड 12th और कर दीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते वक्त सी अनअकैडमी में बहुत सारे अलग 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 टाइप के सब्सक्रिप्शन हैं, राइट। अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूं, राइट, तो अगर आप इफ यू वांट टू मूव ऑन फॉर सी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू कैन सी, और उसके अलग 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 प्राइजेस भी लिखे हुए हैं। लेकिन हमारी ये सजेशन है कि फुल फ्लैच प्रिपेरेशन के लिए, एकदम तगड़ी प्रिपेरेशन के लिए, राइट, हाँ, आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 11th का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 12th ही मिलेगा, 12th लोगे तो 11th भी मिलेगा, राइट। तो 12th का सब्सक्रिप्शन ले लो, इंद्रजीत मेरा कोड है, यूज कर लो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, क्लियर है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं ये बता देता हूँ, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर्सनलाइज्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है, और वहां पे आस्क का डाउट कर देना है, राइट, ठीक है ना। वहां पे 10 क्वेश्चन पूछने पे, राइट, आपको मिलेगा 10 क्वेश्चन। आज थोड़ा है, मुझे टेक्निकल बग्स लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर रहता है। 10 क्वेश्चन पूछने पे आपको डाउट मिल सकता है, अरे 15 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, क्लियर है बेटा। 10 डेज पे पूछने पे आपको 15 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, राइट। और इफ सम स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्बो, राइट, देर आर सम कॉम्बो सब्सक्रिप्शन फॉर नीट एंड बोर्ड्स एंड JEE एंड बोर्ड्स। हाई शिवम, हाई पितान, ओके, तो ये 24 मंथ्स एंड 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, इज लाइव इज माई कोड, you can use this code to get 10% of discount, right? And okay, pehla question start kar lete hain, come on everyone, those who are live, right, start karenge to maza aayega, right. chali pehla question, object is placed in front of the concave mirror, the distance of the object from the focus is 10 cm, the distance of the image from the focus is 40 cm, बताइए focal length of the mirror क्या होगी? चिंतू जयसवाल, happy holi बेटा, happy holi to everyone, happy holi Himanshu, अनुभव, अंकित, प्रियांश, नितेश, अशोक, everyone, happy holi to you and your families, right? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 60 seconds you are having, I am waiting for your answers into the comment box. कॉनकेव मिरर का केस है, राइट, बहुत बढ़िया है, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करके काम करेंगे तो और मजा आएगा।
Come on, everyone, those who are live. मैं बना दूंगा, टीम को बोल दूंगा एक बार इसका प्लेलिस्ट बता दे, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है जल्दी इसका जवाब दे देंगे. कमन एवरीवन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, राइट. क्या आएगा आंसर, इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी. चलिए आइए एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं. एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. दिस इज अ कॉनकेव मिरर. राइट, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ है. ऑब्जेक्ट से फोकस तक का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, राइट. और इमेज से फोकस तक का जो डिस्टेंस है, राइट, वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. डिस्टेंसेस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू पोल. हमें तो पोल के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, मिरर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ते हैं, राइट. तो यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा दैट वुड बी एफ प्लस 10, राइट. और इमेज डिस्टेंस आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एफ प्लस 40. ये अगर समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस मिरर फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं, राइट. क्लियर है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. राइट बेटा एवरीवन, दोज हु आर लाइक, अब देखिए मिरर फॉर्मूला लगाना है. मिरर फॉर्मूला किस तरीके से लगाएंगे, देखिए 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ. 1 बाई वी दैट इज 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, राइट. तो वी कितना हो जाएगा, एफ यू बाई यू माइनस एफ. V आपका कितना हो जाएगा, एफ यू बाई यू माइनस एफ. तो F इधर ही रख दीजिए, राइट. U को रिप्लेस कर दीजिए, कितना F नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ F प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ F प्लस 10 नेगेटिव ऑफ F. और V को हम रिप्लेस कर देते हैं, कितना, नेगेटिव ऑफ F प्लस 40. तो नेगेटिव ऑफ F, नेगेटिव ऑफ 40 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F स्क्वायर माइनस 10F माइनस 2F प्लस 10, राइट. इसको आगे लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, राइट, माइनस एफ माइनस 40, राइट, माइनस 2F प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर माइनस 10. इसको अगर आप बनाओगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, राइट. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिजोल्व करोगे तो जो फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव, वो हमारा आंसर होगा. क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर की, राइट, जो फोकल लेंथ आती है वो नेगेटिव आती है. क्लियर बेटा, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ आती है वो क्या आती है, नेगेटिव आती है, राइट. सो दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये आपका सही आंसर रहेगा. क्लियर बेटा एवरीवन, दोज़ हु आर लाइव कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स प्लीज. अनन्या मिश्रा जल्दी स्टार्ट होगी, राइट. हैप्पी होली. चलिए गाइस, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कैन यू द आंसर्स इन टू द कमेंट बॉक्स प्लीज. मॉर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये क्वेश्चन हमने काफी टाइम किया हुआ है, स्नेल्स लॉ के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना. क्वेश्चन कहता क्या है, एक सिलिंड्रिकल पाइप है, सॉलिड रॉड, उसको पाइप बोल रहा हूं, सॉलिड रॉड है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है. इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 2/√3. अब लाइट बीम एक जगह से एंटर कर रहा है, राइट, एक जगह से इंसिडेंट हो रहा है आई. क्वेश्चन में ये बोला है इस आई की वैल्यू कितनी होगी जब दूसरे सरफेस से लाइट ग्रेस करके चली जाए. ये वाले सरफेस से, बी सरफेस से, दो सरफेस ले लो ए और बी. ए पे इंसिडेंट एंगल कितना होगा ताकि बी पे ना रिफ्लेक्शन हो ना रिफ्रैक्शन हो, लाइट सतर से चली जाए. क्लियर है, चलिए आइए
सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जवाब देंगे। कम ऑन एवरीवन, दोज हु आर लाइव, स्नेल्स लॉ यूज करना है, मैं इतना बता देता हूं। राइट, कम ऑन एवरीवन, सारे बच्चे इसका डायग्राम पूरा ऑब्टेन करके दिखाऊंगा तो मजा आ जाएगा। और कम ऑन एवरीवन, दोज हू आर लाइव, बेटा डाउट एमिटी यूनिस, ओके बेटा, आपके जो डाउट है ना, राइट, वो आप स्पेशल क्लास में लेके आइएगा, यहाँ पे लाइव में नहीं हो पाएंगे। राइट, मोटा मोटा वर्बल डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, कोई सम है आप स्पेशल क्लास में जरूर लेके आइएगा। राइट, चलिए, कम ऑन एवरीवन, दोज हू आर लाइव, सारे बच्चे जो है ऑप्शन जवाब दे देंगे। भाई देवी, थैंक्स फॉर दी कमेंट्स। राइट, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे हमें दो बार स्नेल्स लॉ लगाना है। सिचुएशन क्या है, देखिए, ये आपकी सिलिंड्रिकल रॉड है। राइट, ये ना डायग्राम इंपॉर्टेंट रहता है रे ऑप्टिक्स में, उसको अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। राइट, डायग्राम इंपॉर्टेंट रहता है। राइट, आया, ठीक है बेटा, एवरीवन दोज़ हू आर लाइव। अब यहां से कितने भी इंसिडेंट होगा आई, यहां से कितने भी इंसिडेंट होगा आई, ताकि दूसरे सरफेस पे जाके, राइट, दूसरे सरफेस पे जाके लाइट जो है वो ग्रेस कर जाए। मतलब ये आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आर, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये सिचुएशन को हमें फॉलो करना है। राइट, तो देर आर टू सर्फेसिस, सर्फेस ए एंड सर्फेस बी, है ना, देर आर टू सर्फेसिस, सर्फेस ए एंड सर्फेस बी। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सर्फेस बी, राइट, स्टेप वन, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस बी, देखो वहां पे इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, वी कैन से दिस इज अ मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2/√3 और बाहर एयर है। राइट, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू द साइन ऑफ 90 माइनस आर, सरफेस बी की बात कर रहा हूं, बी पे गौर से देखिएगा, अंदर की तरफ मीडियम है और उसका एंगल, बाहर की तरफ, राइट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और उसका एंगल, तो म्यू एम कॉस ऑफ आर, आपका आ रहा है 1 into 1, कॉस ऑफ आर आपका आ रहा है √3/2 के बराबर। अगर इसको आप रिजोल्व करते हो तो आर एंगल की वैल्यू आ रही है कितनी, 30 डिग्री के बराबर। चलिए ये वैल्यू मिल गई एक जगह पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। क्लियर बेटा, एवरीवन दोज़ हू आर लाइव, राइट, नहीं होली हो या कुछ भी, भाई क्लास तो चलती रहेगी। Applying Snell's law, second. Right. Now applying Snell's law at surface A. Right. Applying Snell's law at surface A. क्या हो जाएगा बेटा, एवरीवन बहुत सिंपल सी चीज है, बाहर का मीडियम क्या है एयर, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल, सो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ऑफ आई, दैट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम,
right? And that is sine of r. Refractive index of the medium root 2 by 3 sine of 30 degree. That is 1 into sine of I. Sine of I aa jayega 2 by root 3 into half. Sine 30 hota hai half. So sine of I aa jayega, right, that is 1 by root 3. So incident angle ho jayega sine inverse of 1 by root 3. Right. Agar aap sine inverse of 1 by root 3, itne angle se agar light surface A pe incident ho rahi hai, to surface B se surface pe se grace karke chali jayegi. Clear beta? Everyone, those who are live, get the answers into the comment box, please. सिंपल सी चीज है, दो बार स्नेल्स लॉ लगाना है, एक बार सरफेस ए पे स्नेल्स लॉ लगाना है, एक बार सरफेस बी पे स्नेल्स लॉ लगाना है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, सीधा अप्लाई किया है फॉर्मूला, कोई बड़ा लॉजिक नहीं बताया जिसमें आपको डर लगे, राइट. इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, राइट. कम ऑन एवरीवन, दोस हू आर लाइव, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो. चलिए, यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी विल बी दी परफेक्ट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्लेन मिरर इज प्लेस दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो. एक्स इज इक्वल टू जीरो पे प्लेन में मिरर को रखा गया है. An object starts moving with this velocity. तो बताइए relative velocity of the image with respect to object कितना आएगा? Come on, 60 seconds you are having, those who are live, everyone. चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं बेहतरीन तरीके से, तो और मजा आएगा, राइट. इसका डायग्राम ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है. देखिए क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू जीरो पे मिरर दिया हुआ है, राइट. x इज इक्वल टू जीरो पे क्या दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है, राइट. क्लियर बट एवरीवन, दोस हू आर लाइव, सारे बच्चे, राइट. इस तरीके की क्वेश्चंस के साथ डील करनी किस तरीके है मैं आपको बता देता हूं. x इज इक्वल टू थ्री पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, राइट, जिसकी स्पीड जो है वो है 2i, वेलोसिटी दी हुई है 2i 2j. अब देखिए सबसे पहले तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज की राइट पोजिशंस को डिटेक्ट करो, राइट. इसकी इमेज की पोजिशन को डिटेक्ट करो, राइट. इसकी इमेज की पोजिशन कहाँ आएगी, यहां पे. इमेज की पोजीशन प्लेन मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर ही आती है, और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज आएगी. मान लो 3 मीटर पे ऑब्जेक्ट है तो 3 मीटर पे ही इमेज आएगी. ये आपकी बन गई इमेज. अब एक चीज हमेशा याद रखना, राइट, है ना. देखो इसको मैं दो कंपोनेंट, दो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करता हूं. एक हो जाएगा 2 ऑफ i और दूसरा हो जाएगा 2 ऑफ j, राइट. एक हो जाएगा 2 ऑफ i, राइट, और एक हो जाएगा 2 ऑफ j. क्लियर है बेटा एवरीवन, दोस हू आर लाइव.
है। तो देखिए हमेशा एक चीज याद रखना, ओके, हमने एक फॉर्मूला देखी है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये जो फॉर्मूला है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी दोज हु आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, टू द मिरर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्लियर बेटा एवरीवन दोज हु आर लाइव। तो यहां पे पैरेलल वाला कंपोनेंट तो वैसा का वैसा रहेगा, जो हो जाएगा टू ऑफ जे, परपेंडिकुलर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ टू ऑफ आई। देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या थी, दैट वाज टू ऑफ आई प्लस टू ऑफ जे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ टू ऑफ आई प्लस टू ऑफ जे। तो हमें क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ फोर ऑफ आई। क्लियर बेटा एवरीवन दोज हु आर लाइक, कैन यू द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स। एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज दैट इज पॉजिटिव फोर ऑफ आई। हमें रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके राइट है ना ये करना है। कोई भी कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिखने से पहले 500 बार सोच लेना, हर एक चीज का स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है, हर एक चीज का स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है। कोई भी चीज लिखने से पहले 500 बार सोच लेना, समझ में आ रहा है ना। अब डिलीट करोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट सारे स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं, मॉडरेटर बैठे हैं, टेंशन मत। यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट That is 4 meter per second into the negative x direction. Clear beta? Everyone, those who are live, can enter the answers into the comment box, please. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कार इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रक इज अहेड ऑफ द कार। ट्रक के पीछे कार है, ट्रक जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पीछे मिरर लटका हुआ है, उसके पीछे कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ अ कार विद रिस्पेक्ट टू मिरर। चलिए 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव, हैप्पी होली टू एवरीवन। मिल जाएगा ऑप्टेन करवा दूंगा, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा अनअकैडमी एप्लीकेशन पे राइट, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए करवा दूंगा। कम ऑन एवरीवन, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, कम ऑन एवरीवन। चलिए आइए इसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या सिचुएशन है, तो और चीजें पता चलेगी। क्लियर है, सिचुएशन में ये ट्रक है, राइट, और यहां पे एक बैक पे एक मिरर है, राइट, ये आगे की तरफ जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट, यहीं पे एक कार है,
अपने मन की कार ले लेना। अब ये जा रही है राइट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब ये अपने आप को राइट हाँ है ना ठीक है ना मिरर में देख रही होगी राइट। तो बताइए इसका बहुत सिंपल सी चीज है राइट, इसकी स्पीड कितनी होगी मिरर में, मतलब हमें इमेज की स्पीड ढूंढनी है राइट। तो इस तरीके की सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही फॉर्मूला पे टिके हुए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दैट इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव 70 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ इमेज ढूंढनी है, सो वीओ माइनस वी एम दैट इज नेगेटिव ऑफ वी आई राइट प्लस वी एम राइट। तो ये कितना हो जाएगा, टू ऑफ वी एम दैट इज इक्वल टू वी जीरो प्लस वी आई राइट। तो वी आई हो जाएगा टू ऑफ वी एम माइनस वी ऑफ जीरो, तो वी आई आपका करीबन करीबन 90 किलोमीटर पर आवर के बराबर आएगा, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज अ परफेक्ट आंसर। दोनों राइट साइड के देखो कन्वेंशन, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कन्वेंशन पे ध्यान देना है राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको कन्वेंशन पे ध्यान देना, ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ जे राइट, ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ आई राइट, एक हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ जे और एक हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ आई। क्लियर बेटा एवरीवन, दो दो लाइक कहना है आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स राइट। ये यहां अगर जहां वेक्टर है वो ले लो राइट, जहां वेक्टर है वो ले लो। क्लियर बेटा एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव। ओके चलिए, तो यहां आंसर हमारा कितना आएगा, 90 किलोमीटर पर आवर, दैट वुड बी द परफेक्ट आंसर राइट। 90 किलोमीटर पर आवर हमारा सही आंसर आएगा। क्लियर बेटा एवरीवन, दोज़ हू आर लाइक क्या करता आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम इज 4/5। अगर ले ऑफ लाइट इमर्ज कर रही है मीडियम टू एयर, बताइए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। कम ऑन एवरीवन, दोज़ हू आर लाइक कैन यू द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अ मीडियम टू वेलोसिटी इन द ओके कम ऑन एवरीवन, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। बहुत सिंपल है, स्नेल्स लॉ लगाना है, लाइट जा रही है मीडियम टू एयर, लाइट कहां जा रही है मीडियम टू एयर। क्लियर बेटा एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं राइट, स्क्रीन ले लेते हैं। लाइट इज अप्रोचिंग फ्रॉम मीडियम टू एयर, इस सिचुएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम
क्रिटिकल एंगल एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर एंड दैट इज साइन ऑफ 90। सिचुएशन ही ऐसे बनती है, देखिए ये मीडियम हो गया आपका राइट, लाइट यहां से इंसिडेंट हो रही है राइट, ये आपका हो गया नॉर्मल, ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल या क्रिटिकल एंगल कुछ भी बोल सकते हो आप। अब यहां से लाइट ग्रेस करके चली जा रही है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये मीडियम हो गया, ये हो गया आपका एयर राइट। तो यहीं पे मैंने स्नेल्स लॉ लगा के ये इक्वेशन को ऑब्टेन किया हुआ है राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम राइट, तो यहां पे क्रिटिकल एंगल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम साइन ऑफ 90 डिग्री, ये हो जाएगा 1। यहां पे क्रिटिकल एंगल आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम राइट। अब ये वैल्यू दी हुई है कितनी, 4/5 के बराबर राइट, यहां पे क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री के बराबर। दिस इज द परफेक्ट यार बेटा, क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा 53 के बराबर। सही है बेटा, एवरीवन दोज़ हु आर लाइव कैन द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स। यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 53 डिग्री, दैट इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा एवरीवन? यस सुखेंद्र सिंह, बिल्कुल सही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर वेवलेंथ ऑफ द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट इज 3000 एमस्ट्रॉन्ग इन एयर, देन देखो एयर में वेवलेंथ लाइट की थी 3000 एमस्ट्रॉन्ग है राइट, अगर वो लाइट इंसिडेंट कर रही है 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल पे राइट, ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो बताइए मीडियम में उसकी वेवलेंथ कितनी होगी राइट। चलिए 60 सेकेंड यू आर हैविंग कवन एवरीवन दोज़ हु आर लाइव, हाय धर्मेंद्र, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है इसका जवाब दे देंगे, कवन एवरीवन दोज़ हु आर लाइव। सारे बच्चे प्रेजेंट है यार, हैप्पी होली इन एडवांस। एडवांस क्या, आज ही तो होली है, अगले साल की होली की बधाई आज दे रहे हो बेटा, होली तो आज है ना, कलर वलर लगाओगे या नहीं लगाओगे? हाँ बेटा, मैं तो खैर होली नहीं खेलता, लेकिन आप कलर वलर लगाओगे ना आज एडवांस में? क्या 1 घंटा 2 घंटा एडवांस है, आज तो होली है बेटा। कम ऑन एवरीवन दोज़ हु आर लाइव, हैप्पी होली गौरव। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी बेटा, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे जल्दी। ओके, बहुत सिंपल है, चलिए देखिए, आइए फिर यहां इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं।
राइट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर साइन ऑफ 90 डिग्री, राइट, ठीक है ना। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज बता देता हूं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये क्या हो जाएगा 1 बाई वेवलेंथ इन मीडियम साइन ऑफ 30 डिग्री एंड दैट इज 1 बाई वेवलेंथ इन एयर, ये हो जाएगा वेवलेंथ बाई 2, तो ये आएगा 1500 एमस्ट्रॉन्ग आपका सही आंसर, राइट, ये क्या हो जाएगा 1500 एमस्ट्रॉन्ग आपका सही आंसर आएगा। क्लियर बेटा एवरीवन, दोज़ हू आर लाइक कैन द आंसर्स इन टू द कमेंट बॉक्स प्लीज। राइट, तो ये 1500 एमस्ट्रॉन्ग आपका सही आंसर आएगा। क्लियर है बेटा एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है नॉर्मल शिफ्ट का, भाई ये ऑब्जर्वर है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, राइट, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में दो स्लैब रखे हैं, दोनों स्लैब की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 3/2 और दोनों स्लैब की जो थिकनेस है, राइट, वो है 3/2। तो बताइए ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा नॉर्मली, राइट, ऑब्जेक्ट कितना नॉर्मली शिफ्ट होगा, राइट। कवन एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारे बच्चे जल्दी। सारे बच्चे जो प्रेजेंट इसका जवाब दे देंगे, कमन एवरीवन दोज़ हू आर लाइव। चलिए ये क्वेश्चन है नॉर्मल शिफ्ट का, नॉर्मल शिफ्ट में क्या होता है ध्यान से देखिए, यहाँ पे शिफ्टिंग दो तरीके से हो रही है, एक पहले स्लैब की वजह से, एक दूसरे स्लैब की वजह से। तो जो टोटल शिफ्टिंग होगी, राइट, ठीक है ना, टोटल शिफ्टिंग होगी, राइट, वो किस वजह से होगी, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू शिफ्ट एज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्लैब, राइट, प्लस शिफ्ट एज बिकॉज ऑफ द सेकेंड स्लैब, राइट, shift is because of the first slab and shift is because of the second slab. तो पहले slab की वजह से जो shift होगी वो t 1 minus 1 by mu, ये सीधी formula है, plus t 1 minus 1 by mu. तो thickness क्या दी हुई, देखो 2 into t 1 minus 1 by mu, thickness है 3/2, refractive index है 3/2, इसका जो resultant आएगा वो आ जाएगा 1 cm. तो जो टोटल शिफ्टिंग हो रही है ऑब्जेक्ट की वो है 1 cm, आधा सेंटीमीटर पहले स्लैब की वजह से होगी, आधा सेंटीमीटर दूसरे स्लैब की वजह से होगी, टोटल शिफ्टिंग होगी 1 cm. क्लियर बेटा एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव।
Clear बेटा एवरीवन दोज हु आर लाइव। यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स दी स्लैब ए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग दी फॉलोइंग। कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइक कैन द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग दी फॉलोइंग। सारे बच्चे जो प्रेजेंट इसके जवाब दे देंगे। Everyone, those who are live, give the answers into the comment box. सारे बच्चे जो लाइव है वो इसका जवाब दे देंगे यार, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। क्लियर है, लेक्ट द करेक्ट ऑप्शन राइट है ना। ओके, वेलोसिटी ऑफ सी, देखो रे ऑप्टिक्स कभी भी उस ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं होता जो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बड़ा हो जाता राइट है ना। इन कोई भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ अगर लाइट से बड़ी हो जाती है राइट, तो वहां रे ऑप्टिक्स फेल हो जाता है एंड फोर्थ हमारा परफेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, फोर्थ हमारा परफेक्ट आंसर रहेगा। तो ये बेटा एवरीवन दोज हू आर लाइव राइट, चलिए कौन सा मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है राइट, विच मिरर प्रोड्यूस द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कम ऑन एवरीवन दोज हू आर लाइव। इस तरीके के क्वेश्चंस हम काफी टाइम कर चुके हैं, इसका जवाब देना है। कौन सा मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। कम ऑन एवरीवन दोज हू आर लाइव। ओके चलिए देखिए, इसका मैं आपको एक जवाब दे देना चाहता हूँ, एक कॉमन जो आप जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी राइट। एक चीज हमेशा याद रखना, जो कॉनकेव मिरर होता है राइट, दिस इज योर कॉनकेव मिरर राइट, एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर।
राइट, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट, वन इज अ कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर है एवरीवन? दोज हु आर लाइव कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स प्लीज. कॉनकेव मिरर जो है ना वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है. ये क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट? एक स्पेशल केस ऐसा होता है जिसमें कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट को पोल के एकदम नजदीक रखा जाए. गुड मॉर्निंग लवदीप, राइट. जब ऑब्जेक्ट को मिरर के एकदम नजदीक रखा जाए, पोल के एकदम नजदीक रखा जाए, वो एक स्पेशल केस में कॉनकेव मिरर जो है राइट वो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है. दैट इज अ कंप्लीटली स्पेशल केस, राइट. सेकेंड, यहां पे कॉनकेव मिरर है तो वो सेम इमेज कॉन्वेक्स लेंस करेगा. कॉन्वेक्स लेंस भी सेम इमेज फॉर्म करेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा. ये थोड़ा वाइस वर्सा सिचुएशन आ जाएगी. राइट, दिस विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट and this is real and inverted. Clear beta everyone, those who are live, happy holy krishna, right. To iska aap screenshot lena chahte ho to le sakte ho, koi badi baat nahi hai. Come on everyone, those who are live, चलिए. तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट में कॉन्वेक्स मिरर, दिस विल बी द परफेक्ट आंसर, एंड कॉनकेव लेंस, राइट. स्पेशल केस को हम कंसीडर नहीं कर सकते. फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर क्या होती है? फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर क्या होती है? कम ऑन एवरीवन, दोज हु आर लाइव, नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड्स. सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब देंगे. द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज व्हाट? ओके, तो फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड ए इज द परफेक्ट आंसर. क्लियर बेटा एवरीवन, दोज हु आर लाइव. फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर जो है वो एफ है. डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज एक्स. बताइए मैग्निफिकेशन क्या होगा? राइट, यस लवदीप, मैग्निफिकेशन क्या होगा? कम ऑन एवरीवन, दोज़ हु आर लाइव, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा.
सारे बच्चे जो प्रेजेंट है बेटा, एवरीवन दोज हु आर लाइव आंसर इन टू द कमेंट बॉक्स। चलिए देखिए, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा माइनस एफ प्लस एक्स, मैग्निफिकेशन ढूंढना है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, वी बाई यू, मिरर फॉर्मूला 1/v, 1/u, 1/f, राइट। 1/v कितना हो जाएगा, v क्या हो जाएगा यार, एफ यू बाय यू माइनस एफ, वी बाई यू आपका हो जाएगा एफ बाई यू माइनस एफ, माइनस वी बाई यू आपका हो जाएगा एफ बाय एफ माइनस यू, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन के बराबर, राइट। तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या आ गई, एफ बाय एफ माइनस यू, यू को रिप्लेस कीजिए, राइट, तो ये हो जाएगा एफ बाय माइनस एफ प्लस एक्स। आई एम सॉरी, क्लियर बेटा एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव। क्लियर बेटा एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, कैन यू द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स प्लीज। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कम ऑन एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव। उसका एलसीएम निकालोगे अभी तो वही बन जाएगा, राइट। सॉरी, कम ऑन एवरीवन, सारे बच्चे इसका जवाब दे देंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, रेफरेंस बुक फॉर क्लास 12 2022 बोर्ड्स बैच, यू कैन मूव ऑन फॉर एच सी वर्मा, राइट, दिनेश है, प्रदीप है, लॉट्स ऑफ बुक्स आर देयर फॉर बोर्ड्स। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज, द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज एनलार्ज, द क्रिटिकल एंगल इज ऑलवेज डिफाइंड। देखो, क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम से ही डिफाइन होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा कॉनकेव, ओके, ग्लास स्लैब, ये गलत है, डी इज अ परफेक्ट आंसर। ओके, द फोर्थ वन इज द परफेक्ट आंसर, क्लियर बेटा एवरीवन। चलिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हाट टाइप ऑफ इज मिरर इज यूज्ड टू फाइंड द इन द रेयर रेयर व्हीकल में कौन सा मिरर आता है, कम ऑन एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, राइट। हाय हाय दहिया बेटा,
कम ऑन एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, ओके, विच आर, देखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम होता है, राइट, कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम होता है, समझ पा रहे हैं, इसकी वजह से, राइट, इट इज यूज्ड, राइट, इनटू द रेयर, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ऑब्जर्वर को देखने की जगह, राइट, चलिए वो तो मैं बताता हूँ आगे वाले क्वेश्चन में, विच ऑफ द, ये तो ठीक है, इमेज फॉर्म बाई द रिफ्लेक्शन ऑफ द, ओके, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर के सामने जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो बताइए इमेज कहां फॉर्म होगी, कम ऑन एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, हैप्पी होली टू एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, शाम को एक और क्लास है, आ जाना, दूसरी क्लास अभी 11 बजे में रखने वाला था लेकिन मैं समझ सकता हूं सुबह सुबह आप होली सेलिब्रेट करोगे, है ना, गुलाल से खेलना, और मैं तो बोल रहा हूँ घर के बाहर मत निकलना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, कोरोना चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, घर के अंदर खेलो, राइट, ठीक है ना, जरूरी नहीं है पड़ोसियों को रंगने जाने की, समझ में आ रहा है ना, घर के अंदर 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 जो करना है करो, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है ना, है ना, तो अभी जो 11 बजे वाली क्लास होने वाली थी वो मैं शाम को कर रहा हूँ, 6 बजे आ जाना जरूर। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कम ऑन एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, ऑब्जेक्ट इज प्लेस, देखो ऑब्जेक्ट U इज इक्वल टू F हो गया, राइट, एक कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है, राइट, क्लियर बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है, राइट, वहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है, मतलब ऑब्वियसली इमेज कहाँ फॉर्म होने वाली है, इंफिनिटी पे, राइट, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इंफिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे फॉर्म होती है, ये बहुत ही कॉमन चीज है, राइट, हाँ, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, राइट, तो इमेज इन्फिनिटी, अरे इमेज फोकस पे फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस पे रख दोगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, एंड ए विल बी द परफेक्ट, क्लियर है बेटा, एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स, चलिए, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी, दिस इज द केस ऑफ द मिरर, इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी, कम ऑन एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, मैं कॉनकेव मिरर का एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रख के बताता हूं, आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी,
इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉनकेव मिरर। अगर आप ऑब्जेक्ट राइट दिस इज अ फोकस राइट, अगर लाइन फोकस से रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है राइट तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। राइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो वो फोकस से क्रॉस हो जाएगी। मान लीजिए सेकेंड केस ऐसा है राइट, मान लीजिए सेकेंड केस ऐसा है राइट कि पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से क्रॉस होगी। ये दोनों केसेस आप याद रखिए राइट, अगर फोकस से क्रॉस हो जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, अगर पैरेलल से जा रही है तो फोकस पे हो जाएगी। क्लियर बेटा एवरीवन? दोज हु आर लाइव, डिनायल इधर उधर की बातें मत करिए यार, पहले से सिर दर्द कर रहा है और यार ठीक है ना, इधर उधर की बातें कब से किया जा रहा है, मैं कब से देखो अवॉइड कर रहा हूँ यार। इट विल पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बेटा एवरीवन? दोज हु आर लाइव, यूजिन ने ये बताया था कि लाइट का डुअल नेचर होता है, उसने वेव नेचर को प्रूव किया था, लेकिन उसने जो प्रूफ दिया था उसमें एक ऐसी फिनोमेना थी जो यूजिन प्रूव नहीं कर पाया था। कमन एवरीवन दोज हु आर लाइव, क्लास ये 10:30 बजे खत्म होगी और दूसरी क्लास शाम को 6 बजे आ जाना। दूसरी क्लास अभी मैं 11 बजे ही रखने वाला था, लेकिन शाम को 6 बजे दूसरी क्लास आ जाना। क्लियर बेटा एवरीवन? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, रिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन या ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा राइट एवरीवन, मैं बोल रहा हूं जो सारे बच्चे प्रेजेंट है वो सारे जवाब दे देंगे। तो यहां पे ये कहना चाहता हूं विच ऑफ द फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन बाय द यूजिन्स कंस्ट्रक्ट। देखो यूजिन ने राइट लाइट को वेव कंसीडर करके राइट रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया था, रिफ्रेक्शन प्रूव कर दिया था, डिफ्रेक्शन, बस ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रा दिस फिनोमेना को ये प्रूव नहीं कर पाया था, ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रा को नहीं प्रूव कर पाया था। D is a perfect answer. Clear with everyone, those who are live. Wavefront का मतलब क्या होता है? Wavefront का मतलब क्या होता है? Come on everyone, those who are live. सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है? ओके यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा राइट, जो सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं वो एक तरीके का सरफेस बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। ऑल पार्टिकल्स इन सेम फेज दे फॉर्म अ सरफेस, दे आर नोन एज वेव फ्रंट। ऑल पार्टिकल्स इन द सेम फेज
ऑल पार्टिकल्स, देखो इस तरीके से, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट्स, राइट, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट्स, राइट, सारे पार्टिकल एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर, क्लियर है, आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द लाइट मैक्सिमम कहाँ होती है, 1990 एमपीपीएमटी, 1994 और एएफएमसी, 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होती है? राइट, देखो यहां पे क्या होता है, राइट, वैक्यूम को एयर के बराबर माना जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल फिजिक्स एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स, राइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स, राइट, एक आती है प्रैक्टिकल फिजिक्स, में आ रहे हैं, एक होती है थ्योरेटिकल फिजिक्स और एक होती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में वैक्यूम और एयर में डिफरेंस होता है, वैक्यूम इज नॉट इक्वल टू एयर, डिफरेंस होता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है, राइट, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, लेकिन हम थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, यहाँ पे तो कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे, राइट, सारे सारे सारी चीजें, मतलब राइट, मतलब इन दोनों को सेम माना जाता है और यहाँ पे एयर हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। क्लियर बेटा, एनसीईआरटी में सेम दिया हुआ है इसलिए हम इसको सेम ले रहे हैं, ठीक है ईशा बेटा। ईएम व्यूज ये सारे जो है ना, वो अंदर मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी हैं, आप चेक कर लो एक बार। ग्यारह बजे आज मेरा सेशन नहीं होगा, शाम को 6 बजे होगा, 11 बजे नहीं होने वाला था लेकिन शाम को 6 बजे होगा। क्लियर बेटा एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव। ऑन हीटिंग द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हीट करने पे क्या होगा, कम ऑन एवरीवन दोज़ हू आर लाइव। सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे, कम ऑन एवरीवन। ओके, मैनी पीपल हैप्पी होली टू एवरीवन। देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है और आप इसको याद रख सकते हो, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर, क्लियर है। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर डिक्रीज होगा भाई, मीडियम में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मीडियम में फर्क पड़ता है, क्लियर है। वन एवरीवन दोज़ हू आर लाइव, हाई टेम्परेचर पे लिक्विड लेस डेंस रहता है, राइट, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 60 सेकेंड यू आर हैविंग। एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है जो 5 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से बना हुआ है, लेस डेंस होता है हाई टेम्परेचर पे, लेस डेंस होता है, लेस डेंस मतलब लेस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स।
एक कॉन्वेक्स लेंस है, पांच डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, तो बताइए कितनी इमेजेस फॉर्म होगी। कम ऑन एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, यस, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म, कम ऑन एवरीवन दोज़ हू आर लाइव, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म, जल्दी। ओके, सी फाइव डिफरेंट इमेजेस विल बी फॉर्म, क्योंकि फाइव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से बना हुआ है, तो हर एक मटेरियल से एक तरीके का, राइट। Which ray is less deviated by prism? Come on everyone, 60 seconds you are having, those who are live. सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, अरे नहीं यार, नहीं, लीस्ट डेविएटेड है यार, लीस्ट डेविएटेड। वायलेट तो सबसे ज्यादा डेविएट होती है, प्रिज्म के केस में, डिस्पर्शन के केस में वायलेट तो सबसे ज्यादा डेविएट होती है, राइट। प्रिज्म के केस में, डिस्पर्शन के केस में वायलेट तो सबसे ज्यादा डेविएट होती है, क्लियर बेटा? यहां पे हमारा आंसर आएगा रेड ले इज लीस्ट डेविएटेड। रेड जो है वो हमेशा लीस्ट होती है वायलेट। अगर आप प्रिज्म का देखो ना एक बार, एक जगह पे व्हाइट लाइट अगर जाती है, राइट, ये ऐसे हम करते थे ना, वेब ग्योर, राइट, तो सबसे ज्यादा डेविएशन तो वायलेट का हो रहा है, और सबसे ज्यादा पाथ से भटकी हुई तो वायलेट है, सबसे कम भटकी हुई तो रेड है, तो सी आंसर आएगा। क्लियर बट एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, अगर व्हाइट लाइट हॉलो प्रिज्म से पास करवा रहे हो तो क्या होगा? व्हाइट लाइट हॉलो प्रिज्म से पास करवा रहे हो तो क्या होगा, राइट? व्हाइट लाइट हॉलो प्रिज्म से पास करवा रहे हो तो क्या होगा? चलिए, 60 सेकेंड यू आर हैविंग दोज हू आर लाइव। Come on everyone, those who are live.
ओके, देखो हॉलो प्रिज्म है, प्रिज्म में कुछ भी नहीं है, क्लियर है ना, हॉलो प्रिज्म है, ठीक है ना, प्रिज्म के अंदर कुछ भी नहीं है, खोखला हिस्सा है, खोखला, राइट। तो इस पे नो डिस्पर्जन, नो डेविएशन, ठीक है ना, जब तक अंदर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, कोई मटेरियल नहीं होगा, तो डिस्पर्जन डेविएशन होगा नहीं, राइट। डिस्पर्जन भी नहीं होगा, डेविएशन भी होगा, क्यों, क्योंकि इट इज अ हॉलो प्रिज्म। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, इट इज अ हॉलो प्रिज्म, क्लियर है बेटा, एवरीवन दोज हु आर लाइव, राइट। ए इज अ परफेक्ट आंसर, नाइदर डिस्पर्जन नाइदर राइट डेविएशन। चलिए, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव, कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स प्लीज। द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, चलिए, तो यहां पे फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर क्या हो जाएगा, राइट, इनडिफाइनाइट तो नहीं होगा, राइट, फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, राइट, इंफिनिटी, बी इज द परफेक्ट आंसर, इनफाइनाइट आ जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, कम ऑन एवरीवन, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। कॉन्वेक्स मिरर कौन कैसी इमेज फॉर्म करता है, एवरीवन दोज हु आर लाइव, बेटा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी एंड दिस विल बी दी परफेक्ट आंसर, क्लियर है बेटा, एवरीवन दोज हु आर लाइव, वर्चुअल इमेज होगी। फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम किसके लिए होता है, कम ऑन एवरीवन, फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम किसके लिए होता है, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है जवाब दे देंगे, फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम किसके लिए होता है। इसके बाद शाम को 6 बजे दूसरी क्लास है, प्रेजेंट जरूर रहना, क्लियर बेटा, एवरीवन दोज हु आर लाइव, शाम को 6 बजे दूसरी क्लास है, प्रेजेंट जरूर रहना। सारे बच्चे प्रेजेंट है, द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर, कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव, विनीता, लवदीप, क्रिश, सार्थक, दाहिया, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चे जवाब दे रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का होता है, क्यों, समझ में आ रहा है ना, देखिए ये विजुअलाइजेशन में आपको दिख रहा है, ऑब्जर्वर को देखने के लिए जगह सबसे ज्यादा मिलती है, राइट,
ऑब्जर्वर को देखने के लिए स्पेस सबसे ज्यादा मिलती है, राइट? क्लियर है बेटा एवरीवन, दोज हु आर लाइव? लेकिन ऑब्जर्वर को देखने के लिए जगह सबसे, ओके ओके गलत हो जाएगा ना, ऑब्जर्वर को देखने के लिए जगह सबसे ज्यादा मिलती है, इसलिए फील्ड ऑफ व्यू उसका मैक्सिमम होता है, राइट? कॉन्वेक्स मिरर, चलिए क्यों मैं, हाँ अब बताइए इलेक्ट्रिक बल्ब में रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव, इसका पिछले क्वेश्चन का जवाब आपको इस क्वेश्चन के विजुअलाइजेशन में मिल जाएगा। देखो कॉन्वेक्स मिरर आएगा, राइट? कॉन्वेक्स मिरर आपका सही जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कितना ज्यादा फैल रहा है, एरिया कितना ज्यादा है, राइट? हाँ ना, इसलिए स्ट्रीट लाइट्स में कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया को कवर कर रहा है ना, राइट? हाँ ना, यही फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं हम। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद कितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, राइट? जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा उतनी ज्यादा हमें लाइट मिलेगी, क्लियर है? स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन, देखिए ये विजुअलाइजेशन है, कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव, कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, राइट? द स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन एयर एंड दिस एयर इज द परफेक्ट आंसर। वैक्यूम और एयर को बराबर ही माना जाता है, क्लियर बेटा? हाय सिया, हाय गाइस, हैप्पी होली फ्रॉम माय साइड, राइट? ठीक है बेटा, एवरीवन दोज हु आर लाइव, हैप्पी होली फ्रॉम माय साइड, राइट बच्चा? तो इसमें यही कहना चाहता हूं मैं, दोज हु आर लाइव, ठीक है ना? शाम को फिर एक और सेशन रखा हूं, जरूर आना, प्रीति बेटा मिल जाएगा, राइट? चलिए पहले क्वेश्चन आपके सामने, आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, हर एक क्वेश्चन में 60 सेकंड्स मिलेंगे आपको, लेफ्ट साइड टाइमर है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, राइट? हाँ है ना, ठीक है ना, टाइम कम होता जाएगा, राइट? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, दोज हु आर लाइव, राइट? चलिए कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव, प्रोटॉन, प्रोटॉन थोड़ा समझ के, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, राइट? आया ना, ठीक है ना? हाय अविनाश, हाय विनय,
भाई सैफ, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के मास में फर्क रहता है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो बता देंगे। राइट एवरीवन, दोज हु आर लाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज अ सिमिलर मास एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके चलिए सिंपल सी चीज मैं बता देता हूँ, डोंट गेट सो मच वरी। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 9.1 इनटू 10 टू द पावर -31 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, दैट इज 1.67 इनटू 10 टू द पावर -27 केजी। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की पैर, राइट, इसमें मतलब सिमिलर मास में नहीं आएगी। अब मैं बात कर रहा हूं एंटी पार्टिकल्स की। देखो मॉडर्न फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री है यार, सबको पता है, पूरी केमिस्ट्री है मॉडर्न फिजिक्स, राइट। तो एंटी पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे हमारा आंसर आएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की पोलारिटी पॉजिटिव होती है और उसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, राइट। पॉजिट्रॉन की, राइट, बट एवरी वन दोज लाइक कैन द आंसर इन टू द कमेंट बॉक्स प्लीज। पॉजिट्रॉन जो है, राइट, आयन, उसकी जो मास होती है, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, राइट, पॉजिट्रॉन हमारा सही आंसर आएगा। पॉजिट्रॉन की जो मास होती है, राइट, आयन, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है और उसकी पोलरिटी पॉजिटिव होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मास ये आ गया, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज मास ये आ गया। क्लियर है? चलिए तो पॉजिट्रॉन हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। रेशियो, मॉडर्न फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल टू दैट ऑफ प्रोटॉन इज, 60 seconds, यू आर हैविंग, कम ऑन एवरीवन, दोज हु आर लाइव। Come on everyone, those who are live, less than 10 seconds remaining. हमें कंपैरिजन किसका करना है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन का। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई होता है, राइट। चलिए लेट अस सी एन एग्जांपल। प्रोटॉन का मास हम मान लेते हैं एम, इस पे जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं क्या, ई, राइट। प्रोटॉन का मास हम मान लेते हैं एम और चार्ज क्या मान लेते हैं ई। अल्फा पार्टिकल में 4-2 He होता है, दिस इज एन हीलियम न्यूक्लियाई, इसमें मास कितना हो जाएगा 4m, राइट, और चार्ज कितना हो जाएगा 2e। मास अल्फा पार्टिकल का 4m, चार्ज हो जाएगा 2e के बराबर। क्लियर बेटा एवरीवन, हाँ ना। तो स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, राइट एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज टू मास रेशियो, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, राइट, चार्ज टू मास रेशियो। हमें बोला गया है अल्फा पार्टिकल, राइट, बाय प्रोटॉन, तो ये कितना हो जाएगा 4m बाय 2e इनटू m इनटू e, सो इट इज 2:1, डी बाई हमारा परफेक्ट आंसर है। क्लियर बेटा एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स प्लीज। राइट, डी हमारा परफेक्ट आंसर आएगा, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, राइट। मॉडर्न फिजिक्स, एटम, न्यूक्लियाई, राइट, सेमीकंडक्टर्स, इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होने वाले, राइट। एटम, न्यूक्लियाई, राइट, सेमीकंडक्टर्स, इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होने वाले, राइट।
जस्ट होल्ड ऑन यार। द कॉज ऑफ द फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट इज इन द प्रेजेंस ऑफ, द कॉज ऑफ द फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ। कम ऑन एवरीवन, 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, दोज हु आर लाइव जल्दी। कम ऑन एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है जवाब दे देंगे इसका। यस, सारे बच्चे यार अपनी अटेंडेंस को मार्कअप जरूर करा दीजिएगा लाइक्स को प्रेस करके। राइट, आइसोटोप्स, बार, स्टोन, सबको पता ही है। मैं आइसोटोप्स के रिलेटेड बात करता हूं। राइट, आइसोटोप्स में क्या होता है, डिफरेंट एटोमिक मासेज होते हैं। राइट, आइसोटोप्स में क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। राइट, अब डिफरेंट एटॉमिक मासेस अगर होते हैं, राइट, समझ में आ रहा है ना, आइसोटोप्स में क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। राइट, ठीक है ना, ओके एवरीवन, दोज हू आर लाइव, अब ये डिफरेंट एटॉमिक मासेस जो होते हैं, राइट, इसमें शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्रैक्शन आ सके, फ्रैक्शनल पार्ट मे कम, रिजल्टेंट में फ्रैक्शनल पार्ट आ सकता है, समझ में आ रहा है ना। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो है आइसोटोप्स आंसर आएगा, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स रहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, राइट, है ना, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, राइट, हम प्रोनाउंस करते हैं, केमिस्ट्री वाले में भी अलग तरीके से प्रोनाउंस करते होंगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। यूरेनियम के आइसोटोप्स आते हैं 237, राइट, है ना, U-237, 92 के आइसोटोप्स आते हैं ना। राइट, तो इसी तरीके से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट्स, हर एक के एटॉमिक वेट्स अलग अलग होने की पॉसिबिलिटीज हैं और रिजल्टेंट में फ्रैक्शन आने की पॉसिबिलिटीज है। राइट, तो हमारे लिए आइसोटोप्स सही आंसर रहेगा। क्लियर बेटा, एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब, वो कौन से नेचर का होता है? यह डिस्चार्ज ट्यूब है ना, राइट, है ना, इसको सेमीकंडक्टर ने रिप्लेस कर दिया है, मतलब सेमीकंडक्टर की दुनिया आई उससे पहले, राइट, डिस्चार्ज ट्यूब यूज होती थी डिस्प्ले के लिए, राइट, जिसका काफी टाइम मैंने, राइट, लाइव डेली लेक्चर्स में विजुअलाइजेशन भी दिया हुआ है कि डिस्चार्ज ट्यूब किस तरीके से, मतलब किस तरीके से आती है। राइट, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस जो, राइट, है ना, सप्लाई दिया जाता है वो कौन सा होता है? Come on, 60 seconds you are having, those who are live fast. आंसर नहीं बताया, हाँ मैं समझ सकता हूँ, काफी लोगों को डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में नहीं पता होगा, समझ में, डिस्चार्ज ट्यूब की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी, क्यों सेमीकंडक्टर ने उसको पूरा रिप्लेस कर दिया, मैं सारी चीजें बताऊंगा, डोंट गेट वरीड, समझ में आ रहा, सारी चीजें बताने वाला हूँ आज अभी। सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्कअप करवा दीजिएगा लाइक्स को प्रेस करके। राइट बेटा, एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, मुझको इरादे दे टंग इसमें दे। देखो, डिस्चार्ज ट्यूब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, राइट, इसको हाई वोल्टेज, हाई डीसी वोल्टेज लगाना पड़ता था,
एकदम हाई डीसी वोल्टेज हमें इसको लगाना पड़ता था, क्लियर बेटा एवरीवन दोज वाला लाइन, एकदम हाई डीसी वोल्टेज लगाना पड़ता था। अब हाई डीसी वोल्टेज आपने लगाया, हाई डीसी वोल्टेज अगर आपने लगाया, राइट एवरीवन दोज वाला लाइन, ठीक है ना, हाई डीसी वोल्टेज अगर आपने लगाया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, राइट बहुत कॉस्टली होता है, राइट मेंटेनेंस लफड़ा पंगा बहुत होता है। जो डिस्चार्ज ट्यूब ना बहुत महंगी पड़ रही थी, उसको रिप्लेस कर दिया सेमी कंडक्टर, तो इस पे हमें 220 डीसी वोल्टेज लगाना पड़ता था, राइट एसी नहीं, 220 डीसी, 200 से भी हाई लगाना पड़ता था, लेकिन डीसी वोल्टेज है इसलिए हमने आंसर लिया, राइट डिस्चार्ज ट्यूब पे एकदम 8000-10000 वोल्ट लगाना पड़ता था, पंगा इसलिए होता था, तब जाके डिस्चार्ज ट्यूब वर्क करती थी, समझ में आ रहा है ना, क्लियर बेटा एवरीवन दोज़ हू आर लाइक। तो यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब में राइट डीसी सप्लाई दिया जाता था, राइट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास एनर्जी रिलेशन ये किसका आउटकम था, कौन सी थियरी का आउटकम था, मास एनर्जी रिलेशन कौन सा आउटकम था, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है जवाब दे देंगे, राइट एवरीवन दोज़ हू आर लाइक। टाइमर 60 सेकंड यू आर हैविंग, जल्दी दोज़ हू आर लाइव। गौरव कुछ नहीं कर सकते, मेहनत करो और क्या कर सकते, समझ में आ रहा है। Come on everyone, those who are like less than रिलेटिविटी उसका ये हिस्सा था, राइट हाँ ना, आइंस्टाइन ने गिवन लाइक आइंस्टाइन गिव द स्पेशल थियरी ऑफ द रिलेटिविटी, क्लियर बेटा एवरीवन दोज़ हू आर लाइक, कैन द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर इज, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है यार बहुत इजी क्वेश्चन है यार, राइट हाँ यार मॉडर्न फिजिक्स का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये खास करके फिजिक्स में चैप्टर वन में भी आता है, राइट खास करके फिजिक्स में ये चैप्टर वन में भी आता है, राइट एवरीवन दोज़ हू आर लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन टू द नेचर इज, कम ऑन एवरीवन, वाओ
चलिए कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इनटू द, देखो वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, राइट द वीकेस्ट फोर्स, हाँ यार भाई जो ग्रेविटी हम पे सबसे ज्यादा असर कर रही है राइट वो यूनिवर्स की वीकेस्ट फोर्स है राइट, उस पे लग, उससे उसकी वजह से जो लगने वाली फोर्स है वो यूनिवर्स की वीकेस्ट है। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और ये हमेशा हमारा आंसर रहेगा राइट। न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत कम रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए राइट हाँ या ना, ये स्ट्रॉन्ग इसलिए भी नहीं, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ये रहता है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में और ग्रेविटेशन सबसे कम रहता है राइट। तो न्यूक्लियर फोर्सेस बी इज द परफेक्ट आंसर, क्लियर बेटा एवरीवन दोज हु आर लाइव, कैन नो द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स प्लीज। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे भाई, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, कम ऑन एवरीवन 60 सेकंड सॉरी टाइमर, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, यार ओ नहीं मॉडर्न फिजिक्स में इतना हाईफाई नहीं आता, पूरा केमिस्ट्री रहता है ना, कुछ बेसिक चीजें आती है राइट, हाँ ना, इतना हाई फाई मैन है तो कभी मॉडर्न फिजिक्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा ही नहीं है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री है, पूरी रटाफिकेशन है, हाँ ना, समझ में आ रहा है ना, एवरीवन दोज़ हू आर लाइव। The neutron was discovered by Rutherford, James Chadwick, J.J. Thomson. आपका कौन सा चैनल है भाई वर्ल्ड वेस्ट क्लास, जिसपे मैं पहले पढ़ाता था। ओके द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई चैडविक एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर राइट, क्लियर बेटा एवरीवन दोज़ हू आर लाइव। न्यूक्लियर रिएक्शन में किस चीज की कंजर्वेशन होती है राइट, न्यूक्लियर रिएक्शन में किस चीज की कंजर्वेशन होती है राइट, फ्यूजन फ्यूजन नहीं बता रहा हूं मैं राइट, जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होगा किस तरीके की कंजर्वेशन होगी राइट। कम ऑन एवरीवन 60 सेकंड्स यू आर हैविंग दोज हु आर लाइव, अरे भाई ये वर्ल्ड बेस्ट क्लास कुछ लिख रहा है, ये वर्ल्ड बेस्ट क्लासेस बेटा आप जो लिख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूं मैं, है ना, तो अब आप कमेंट डिलीट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। एक फैकल्टी के इंटरनल स्टेटस में क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, ये किसी बच्चे को कैसे पता चल जाएगा ना बेटा,
है ना। आप अभी कमेंट डिलीट मत करना, फायदा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया है हमने, राइट। इस पे आगे अनएकेडमी के कोऑर्डिनेटर्स को दी जाएगी और इस पे देखते हैं क्या एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है अभी स्पैमिंग ज्यादा हो रही है, राइट। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, दिस इज द परफेक्ट आंसर, राइट। न्यूक्लियर एनर्जी में हाई डिनायल, हाई प्रिया, राइट, ये ना, यस, हाँ, मास एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व होंगे, राइट। मोमेंटम इसलिए कंजर्व होता है, जो हाई न्यूक्लियाई होता है ना वो दो पार्ट में डिसइंटीग्रेट होता है, राइट, ठीक है ना। दो न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होता है प्लस सम अमाउंट ऑफ दी एनर्जी इज रिलीज्ड, दो न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होता है एंड सम अमाउंट ऑफ दी एनर्जी इज रिलीज्ड। वर्ल्ड्स बेस्ट क्लासेस, भैया अभी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलने से पहले सोच के समझ के बोल लिया करो ना। टू मास एनर्जी एंड मोमेंटम एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कम ऑन एवरीवन, 60 सेकेंड यू आर हैविंग दोज हु आर लाइव। अभी मामला ड्रिफ्ट हो रहा है ना, भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं है, है ना, अपनी पब्लिसिटी दूसरे चैनल पे करना, राइट, समझ में आ रहा है ना। ये मामले को ड्रिफ्ट मत करो, ये अच्छी तरीके से ड्रिफ्ट हो जाता है। चलिए हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव। हाइड्रोजन बॉम्ब, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, न्यूक्लियर बॉम्ब फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड है, राइट। न्यूक्लियर फ्यूजन, इट इज लाइक फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब, राइट, वही बॉम्ब की बात कर रहा हूं जो हिरोशिमा और नागासाकी पे, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब, राइट। ये वही हाइड्रोजन बॉम्ब है जो किंग जोंग जुंग ने, राइट, हाँ, है ना, जिसका एक्सपेरिमेंट किया था, ये वही हाइड्रोजन बॉम्ब है, हाँ, नॉर्थ कोरिया वाला, नॉर्थ कोरिया वाले अंकल के पास है ये, समझ में आ रहा है ना, है ना, किंग जोंग जुंग, मतलब नॉर्थ कोरिया अंकल है ना, नॉर्थ कोरिया वाले अंकल उसके पास है। राइट, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइसोटोप्स के पास क्या सेम होता है, आइसोटोप इज हैविंग द सेम, come on 60 seconds you are having those who are live, isotopes is having same,
कम ऑन एवरीवन, दोज हु आर लाइव, सारे बच्चे जो प्रेजेंट हैं, राइट, यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एवरीवन दोज हु आर लाइव, यहां पे मास नंबर हमारा सही आंसर रहेगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, मास नंबर हमारा सही आएगा आंसर, ऑल द आइसोटोप्स आर हैविंग द मास नंबर सेम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो रिजल्टेंट है वो सेम रहता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो रिजल्टेंट होता है वो सेम रहता है, मास नंबर सेम रहेगा, क्लियर बेटा, एवरीवन दोज हु आर लाइव कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अ गुड मॉडरेटर शुड, अच्छा ये तो आपको है नहीं, मॉडरेटर का आपको नहीं, चलिए, ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट इज एग्जिबिटेड बाय विच फिनोमिना, लाइट की ड्यूअल नेचर राइट इज एग्जिबिटेड बाय विच फिनोमिना, कम ऑन एवरीवन दोज़ हु आर लाइव, 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन एवरीवन दोज़ हु आर लाइव, लेस देन 30 सेकंड्स आर रिमेनिंग, कम ऑन जल्दी, इसका आंसर आएगा राइट सर, कुड यू प्लीज चेंज योर टाइमर टू 15, नो नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट व्हाट वी कैन से इमीडिएट मेड टाइमर, राइट, ये पहले ही टाइमर, इस टाइमर को बनाने के लिए भी बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 20 से 25 मिनट लगते हैं इस टाइमर को बनाने के लिए, और हर एक क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड्स आर, ओके, सी डिफ्रेक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारा सही आंसर आएगा, राइट, डिफ्रेक्शन शो करता है वेव नेचर ऑफ द लाइट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है क्वांटम नेचर, दैट इज मींस इट्स अ पार्टिकल नेचर, समझ में आ रहा है, डिफ्रेक्शन शो करती है वेव नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है पार्टिकल नेचर, क्लियर बेटा, एवरीवन दोज हु आर लाइव, डिफ्रेक्शन शो करती है वेव नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है कितना, पार्टिकल नेचर, राइट, सो ए हमारा परफेक्ट आंसर रहेगा, क्लियर बेटा, चलो, द मेन सोर्स ऑफ द सोलर एनर्जी इज, कम ऑन एवरीवन दोज़ हु आर लाइव, सोलर एनर्जी का मेन यूज क्या है, अरे मेन सोर्स क्या है,
द मेन सोर्स ऑफ द सोलर एनर्जी इज okay so the main source of the solar energy is nuclear fission and that's the perfect answer right nuclear fission and that's the perfect answer clear but everyone those who are like see ayana hai na bahut sare like explosions hote hain lekin right proton proton chain formation jo hoti hai na that is the most responsible for the main source of the solar energy right proton proton right समझ में आ रहा है ना ठीक है ना प्रोटॉन प्रोटॉन की जो होती है चेन राइट चलो बच्चों इधर ध्यान दो है ना समझ में आ रहा है ना वो पहले तो क्या वर्ल्ड क्लास ने लिख दिया ना समझ में आ रहा है ना उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ठीक है ना अभी अलग 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 कमेंट करके अलग अलग नाम लेके ये एक्सप्रेस करने की ट्राई कर रहा है समझ में आ रहा है कि वो अनजान है ना बेटा दिस इज द पार्ट समझ में आ रहा है ना ठीक है ना इधर नाम घुमा रहा है उधर नाम घुमा रहा है क्योंकि भाई से गलती राइट हो गई है समझ में अभी अलग अलग कंपनी के नाम ले रहा है पहले किसी और के नाम ले रहा था अभी किसी और कंपनी को तो पता भी नहीं है कि इतने बड़े बड़े चहीते लोग हैं यहाँ पे चलिए ठीक है ना इम्पॉर्टेंट बोल के ये है ना थोड़ा समझ के बोला करो है ना द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन गिवन बाय मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट मिलिकन एक्सपेरिमेंट का राइट सबसे इम्पोर्टेंट राइट ठीक है ना राइट है ना ओके मेरी अनएकेडमी की ही चैनल है मैं उस पर ही पढ़ाता हूँ समझ में आ रहा है ना तो ये आई थिंक यार मैं मॉडरेटर को कंप्लेन करना चाहता हूँ समझ में आ रहा है ना आई एम टेकिंग द स्क्रीन शॉट एंड फॉरवर्डिंग टू द स्पेसिफिक मॉडरेटर ठीक है ना भाई लिखने वाले जरा शांति से समझ लो समझ में आ रहा है ना आपकी कंटेंट आईडी निकल सकती है समझ में आ रहा है ना हम आप तक पहुंच सकते हैं ठीक है ना तो ये जो आप साइबर क्राइम कर रहे हो ना समझ में आ रहा है ना मेंटली कमेंट करके हैरेस करने का ठीक है ना ये सिरदर्द मत दौड़ाओ अपनी समझ में आ रही है जो बच्चे आए ना उनको खराब मत करो उनके दिमाग करो पढ़ने दो और अपनी डेटा प्लान मत वेस्ट करो बाकी और बहुत सारे पब्लिसिटी के तरीके हैं वहां भागो समझ में आ रहा है ना ठीक है ना फिर दर्द करने आ जाते हैं अपना डेटा प्लान बर्बाद करने चलिए 60 सेकंड यू आर हैविंग कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव चलिए कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन गिवन बाय द मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन गिवन बाय द मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट कम ऑन एवरीवन ओके चार्ज क्वांटाइज हो सकता है मिलिकन एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया था Q is equal to any. The charge on the system is integral multiple of fundamental charge. The charge on the system is integral multiple of the fundamental charge. Right? Q is equal to any is proved किया था. तो उससे ये होता है yes the charge is quantized. This is the perfect answer. Clear? But everyone those who are live. Can I the answers into the comment box please
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. न्यूक्लियर फोर्सेस आर राइट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. न्यूक्लियर फोर्सेस आर कम ऑन 60 सेकंड्स यू आर हैविंग दोज हु आर लाइव स्पिन डिपेंडेंट चार्ज डिपेंडेंट लॉन्ग रेंज नन ऑफ दिस. चलिए गाइस कम ऑन एवरीवन राइट. हाँ आना ठीक है ना, ये क्लास 1.5 घंटे तक चलेगी राइट. हाँ आना, सब खा पी के आ जाना, पानी वानी पी के आ जाना राइट. ठीक है चलिए देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस कम ऑन, लेस देन 5 सेकंड्स आर रिमेनिंग. कम ऑन एवरीवन दोज हू आर लाइव. न्यूक्लियर फोर्स जो है ना राइट, ये यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है राइट. ओके, वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स की सबसे ज्यादा होती है. समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना. लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में क्या कहना चाहते हो आप राइट, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं कि कौन से फोर्स होते हैं. ये कंफ्यूजन वाला हिस्सा है. चलिए तो इसका सही आंसर ये आएगा राइट, इसका सही आंसर रहेगा दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस. न्यूट्रॉन्स हो प्रोटॉन्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ में, देखो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन होता है दैट कंटेन्स दी पॉजिटिव चार्ज राइट. आया ना, तो पोलैरिटी पे न्यूक्लियर फोर्स, जबकि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो रहते हैं वो पोलैरिटी पे आते हैं. पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही एक्ट करते हैं राइट. लेकिन 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 राइट समझ में, सो दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, चार्ज डिपेंड नहीं नहीं नन ऑफ दिस आएगा. चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, चार्ज डिपेंडेंट ही चार्ज इंडिपेंडेंट होता है राइट. नन ऑफ दिस आएगा, क्लियर है बेटा, नन ऑफ दिस आंसर आएगा. क्लियर है एवरीवन दोज हु आर लाइव राइट. शॉक चलिए नहीं, वीडियो पॉज नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन. मैं हिल रहा हूं, अरे तो तुम लोगों के खाली कमेंट ही देख रहा हूं यार, समझ में आ रहा है ना. Come on everyone, those who are live. Right, yeah, see this. Right, live मेरे सामने चल रहा है तो मैं देख पा रहा हूँ. चलिए 60 seconds you are having. Come on everyone, those who are live. How much amount of the right percentage of mass is converted into energy? Come on everyone, those who are live. बेटे 2020 के लिए 2022 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी, कोई बड़ी बात नहीं है राइट.
ओके सी गाइस, अगर मैं स्टैंडर्ड डेटा को रिफर करता हूं, राइट, स्टैंडर्ड डेटा राइट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, राइट, एक्सपेरिमेंट से भी ज्यादा, राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के, राइट, स्टैंडर्ड डेटास को हम रिफर करते हैं, या स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था, थोरियम एंड यूरेनियम, राइट, है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, थोरियम एंड यूरेनियम, इसको अगर हम थोड़ा सा रिफर करते हैं, राइट, तो ये यही बताते हैं कि 0.1% ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, समझ में आया ना, 0.1% ऑफ मास दैट इज कन्वर्टेड इनटू दी एनर्जी, समझ में आ रहा है, ये यही बताते हैं, 0.1% ऑफ मास दैट इज कन्वर्टेड इनटू दी एनर्जी, क्लियर बेटा, एवरीवन, दोज हु आर लाइव, क्लियर है, तो 0.1% इज द परफेक्ट आंसर, अल्फा बीटा एंड गामा रेज कैरी द सेम मोमेंटम, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, अल्फा बीटा और गामा, राइट, ये क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स के, अल्फा बीटा और गामा डीके का, राइट, अल्फा बीटा और गामा डीके का, राइट, है ना, अल्फा बीटा एंड गामा रेज दे कैरीज द सेम मोमेंटम, राइट, है ना, विच हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, चलिए 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन एवरीवन, मैंने टाइमर चलाना भूल गया, राइट, कम ऑन एवरीवन, दोज हु आर लाइव, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, कम ऑन एवरीवन, दोज हु आर लाइव, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेस देन 30 सेकंड्स रिमेनिंग, ओके सी, अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, समझ में आ रहा है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, समझ में आ रहा है बेटा, एवरीवन, दोज़ हू आर लाइक, तो यहां पे सबका मोमेंटम अगर सेम है तो एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो वो तो खुद ही एक कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, वो तो एक प्लैंक कांस्टेंट है, खुद की एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट, तो सबकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, सेम, एंड दिस विल बी द परफेक्ट आंसर, ऑल विल बी हैविंग द सेम वेवलेंथ एंड दिस विल बी द परफेक्ट आंसर, क्लियर है बेटा, एवरीवन, दोज़ हू आर लाइव, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हेन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन एवरीवन गाइस, इसका जवाब दीजिए जल्दी, मैं आया, एक सेकंड, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, जस्ट होल्ड ऑन, राइट, जल्दी जवाब दीजिए,
चलिए कम ऑन एवरीवन, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहले तो स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, राइट? स्पेसिफिक चार्ज होता है राइट चार्ज टू मास रेशियो। समझ में आया ना? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स। प्रैक्टिकल फिजिक्स ये कहती है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन स्पीड के रिस्पेक्ट में मास इस तरीके से वेरी करता है, राइट? स्पीड के रिस्पेक्ट में मास डिक्रीज होता जाएगा। स्पीड के रिस्पेक्ट में मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन थियोरिटिकल फिजिक्स ये कहती है, समझ में आ रहा है, कि मास हमेशा हम पूरी 11th 12th की जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें मास हमेशा कांस्टेंट लिया जाता है। समझ में आ रहा है? मास हमेशा क्या लिया जाता है, कांस्टेंट लिया जाता है। तो यार बेटा एवरीवन दोस हू आर लाइव, मास हमेशा क्या लिया जाता है, कांस्टेंट लिया जाता है। तो उसके हिसाब से स्पेसिफिक चार्ज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, राइट बच्चा जी? है ना? तो इट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ये हमें आंसर आएगा। क्लियर बेटा? एवरीवन दोस हू आर लाइव, कैन हैव द आंसर्स इन टू द कमेंट बॉक्स प्लीज। सारे बच्चे जो प्रेजेंट हैं जवाब दे देंगे भाई एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर के कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में सही स्टेटमेंट सिलेक्ट कीजिए। कम ऑन एवरीवन दोस हू आर लाइव। मोहित बेटा मास वेरी करता तो स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीज होता, प्रैक्टिकली तो इंक्रीज ही होता है क्योंकि क्यू बाई एम का रेशियो है, राइट? क्योंकि लाइट की स्पीड से अगर हम जाते हैं तो मासलेस हो जाते हैं, तो जितनी स्पीड हमारी होती जा रही है उतना मास हमारा कम होता जाता है। समझ में आ रहा है? उतना मास हमारा कम अगर होता जाता है बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इन टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो मास अगर उतना इज इक्वल टू डेल्टा एमसी, मास उतना अगर कम होता जा रहा है तो स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर आएगा देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट जीरो डिग्री केल्विन। देखो सेमीकंडक्टर मैंने बताया है भाई, ये एक तरीके का दोगला इंसान होता है। समझ में आ रहा है ना? ये एक तरीके का क्या है, दोगला इंसान होता है। दोगला गिरगिट, जैसे अपने में अभी आया था ना वर्ल्ड क्लास वाला, वैसे दोगला। पहले कुछ और बोल गया, फिर अपनी इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए कुछ और बोला, उसी तरीके से सेमीकंडक्टर है। इसको आप हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे ना तो ये दादा कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। इसको अगर आप लो टेम्परेचर पे लेके जाओगे ना, समझ में आ रहा है ना, तो ये दादा इंसुलेटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? लो टेम्परेचर पे बैंड गैप इतनी बढ़ जाती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स इतने कम हो जाते हैं, जितने बचे रहते हैं वो एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस नहीं कर पाते, तो वो इंसुलेटर का काम करते हैं। और हाई टेम्परेचर पे बैंड गैप बहुत कम हो जाती है, राइट? करीबन करीबन कंडक्टर्स में तो सेमीकंडक्टर ओवरलैप हो जाते हैं, तो ईजिली से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, राइट? देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट जीरो केल्विन एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है? कम ऑन एवरीवन दोज हू आर लाइव, 60 सेकंड्स यू आर हैविंग। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है?
चलिए इस क्वेश्चन का अगर हम जवाब देते हैं, बेटा एवरीवन दोज हु आर लाइव, ठीक है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसमें होल्स की प्रेजेंस ज्यादा होती है, समझ में आया? तो ये आप आंसर आएगा सर, आप उस दोगलियन, मैंने देखो एक सीधी सी बात बोलूं, एक किसी ने लिखा है, अमन अमन ने लिखा है कि सर आप उस दोगलों के साथ क्या करोगे। बेटा देखो इससे गंदे गंदे स्पैमर आते हैं, समझ में आ रहा है ना? अब वो स्पैमर बच्चे हैं, अब वो स्पैमर कोई है, समझ में आ रहा है? हमें नहीं पता, एक तरीका है निकालने का, लेकिन फिर उतना टाइम किसी के पास रहता नहीं है, कर सकते हैं अगर ईगो पे हर्ट हुआ तो वो भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? हर एक चीज का एक सोल्यूशन होता है। ये स्पैमर्स क्या आते हैं क्लास में, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका टाइम बर्बाद करने, अपना डेटा प्लान बर्बाद करने। मुझे इतना पता है कोई जेन्यून स्टूडेंट के पास इतना वक्त नहीं है कि किसी एजुकेटर की क्लास में जाके बकवास कर सके, राइट? उसको पढ़ाई करना ही इतना बड़ा बोझ लगता है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसके पास इतना टाइम होगा या वो इतना इंटरेस्टेड होगा, समझ में आ रहा है, कि किसी क्लास में जाके ये बकवास कर सके? ये कभी भी स्टूडेंट नहीं होता, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, फिजिक्स एक ऐसा खतरनाक सब्जेक्ट है कि मैं आपको 15, मान लो मैं बोलता हूं 1.5 घंटे की क्लास है, मैं आपको 15 मिनट ज्यादा या 5 मिनट 10 मिनट बिठा दूंगा, यू विल गेट एग्जॉस्टेड, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो मैं उस सिचुएशन में आपको ये पूछना चाहता हूं, राइट बच्चा जी, क्या आपके पास इतना टाइम है कि कहीं जाके 5 मिनट बकवास कर सको, राइट? क्या आप इतने इगोइस्ट नहीं? जेन्यून स्टूडेंट कभी भी नहीं होता, और बाकी के जो होते हैं वो जेन्यून स्टूडेंट नहीं होते, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मेरे को खाली इतना कहना था कि भाई इंटरनल हम भी हैं, हमारे भी अनेक टीम में सुपीरियर्स है, हमारी भी टीम है, राइट? तो हमारे बीच में डिस्कशन होता है, वो किसी स्टूडेंट को कैसे पता चलता है? इसलिए मैंने उस लड़के को जवाब दिया, वरना इससे जबरदस्त स्पैमर्स आते हैं, राइट? बट आई एम नॉट कम्प्लीटली इंटरेस्टेड, वो आके बोल के चले जाते हैं, थक जाते हैं, समझ में आ रहा है ना? मुझे इंटरेस्ट भी नहीं होता, वो बोलने दो उनको, अपना डेटा प्लान बर्बाद कर रहे हैं, राइट? समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, क्लियर बेटा? अब देखो वो सुन रहे थे, अब मेरी सुनने की राह देख रहे थे, जवाब देने की राह देख रहे थे, अभी फिर से आ गए, समझ में आ रहा है ना? तो कोई बच्चा इतना फ्री नहीं होता, मेरे को इतना पता है, समझ में आ रहा है ना? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कम ऑन एवरीवन दोज़ हू आर लाइव। अरे नहीं भाई, अपना टाइम बर्बाद मत किया करो यार, समझ में आ रहा है ना? ये आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है आपके साथ, ये आपको लाइफ में सिखाते हैं, समझ में आ रहा है ना? इनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में जरूरी है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, इनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में जरूरी है, नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, मैं तो कहीं भी कुछ भी नहीं करता, मेरे को इंटरेस्टेड नहीं होता, राइट? लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि इनकी प्रेजेंस जरूरी है आपकी लाइफ में, ये आपको एहसास दिलाते हैं कि आप कितना सही हो, राइट? और इसलिए आपको इनकी प्रेजेंस पे गुरूर होना चाहिए, समझ में ना? ये है तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए, नहीं, यू आर समथिंग, डूइंग समथिंग गुड, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, राइट, और होल्स की वजह से, इन दोनों की वजह से सेमीकंडक्टर में, क्लियर बेटा एवरीवन, राइट, हाय शिवन्या, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से, दोनों की वजह से कंडक्शन होता है, एक का डिफ्यूजन होता है, राइट, और दूसरे की ड्रिफ्टिंग होती है, एक का डिफ्यूजन होता है और दूसरे की ड्रिफ्टिंग होती है, राइट? क्लियर बेटा एवरीवन दोज़ हू आर लाइव, सो यह सी इज द परफेक्ट आंसर। सिलिकॉन के साथ पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसको डॉप किया जाता है? 60 सेकेंड यू आर हैविंग। चलिए कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव, कैन हैव द आंसर्स इन टू द कमेंट बॉक्स।
अरे वो टाइमर चला गया, ओके टाइमर नहीं है, ओके ओके चलिए फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए जल्दी, दोज हुआ लाइक। चलिए तो गाइज एक सिंपल सी चीज है, सिलिकॉन के साथ डॉपिंग करने के लिए दो आप मेटल यूज कर सकते हो, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है ना, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम राइट, इन दोनों की प्रेजेंस जरूरी है, कई केसेस में गैलियम की भी रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। क्लियर बेटा, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, हाँ है ना, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, कभी कभी गैलियम भी होता है राइट, ठीक है ना, गैलियम आर्सनाइट। समझ में आ, गैलियम आर्सनाइट भी आता है, समझ में आ रहा है ना, लेकिन ठीक है उसको थोड़ा डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। कंडक्टिविटी प्योर जर्मेनियम की किस तरीके से आप इंक्रीज करेंगे, प्योर जर्मेनियम की कंडक्टिविटी आप किस तरीके से इंक्रीज करेंगे। कम ऑन एवरीवन, दोज हु आर लाइक कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स प्लीज। और नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल मतलब ठीक नहीं है राइट, पर ठीक है चलता रहता है, क्लासेस आर इम्पोर्टेंट। नहीं बेटा हिंदी में नहीं पढ़ाते यार, हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है बस इतना कह सकते हैं यार। चलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर जर्मेनियम, देखो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो आर टू इज इक्वल टू आर वन अल्फा डेल्टा टी होता है। समझ में आ रहा है, तो यहां पे सेमीकंडक्टर्स के लिए राइट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर आएगा। जर्मेनियम को एक्सेप्टर या डोनर से किसी से फर्क नहीं पड़ता राइट, दोनों चल जाते हैं राइट, प्योर जर्मेनियम है इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर आएगा। क्लियर है बेटा राइट, यस।
ठीक है बेटा, एवरी वन दोज हू आर लाइव कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स प्लीज। चलिए, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर की रूम टेम्परेचर पे रेंज क्या आती है? कम ऑन, 67 यू आर हैविंग रोज सुबह 9 बजे और 11 बजे दो क्लासेस रहती है, राइट आ जाया करो। यस मोहित बेटा, चलिए इसका आंसर आएगा 10^3 टू 10^6। इसकी रेजिस्टिविटी की जो रेंज रहती है 10^3 टू 10^6 ओम सेंटीमीटर। क्लियर बेटा एवरीवन दोज हू आर लाइव, ये हमारा बी हमारा सही आंसर रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्योर सेमीकंडक्टर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? Come on, 60 seconds you are having, pure semiconductors के valence shell में कितने electrons रहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर के नाम पे हम सिर्फ ये कह सकते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन रहता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ थोड़ा जाते हो यार, प्योर सेमीकंडक्टर के नाम पे सिर्फ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन रहता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहे हो, समझ में आ रहा बेटा एवरीवन दोज़ हू आर लाइव, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहे हो समझ में आ रहा है, तो इसमें वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट right? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर बेटा एवरीवन दोज़ हू आर लाइक कैन हैव द आंसर्स इनटू द कमेंट बॉक्स प्लीज। एनर्जी बैंड गैप
राइट, सेमीकंडक्टर में किस रेंज में होती है? कम ऑन, 60 सेकेंड्स, यू आर हैविंग एनर्जी बैंड गैप। सेमीकंडक्टर्स में किस रेंज में होती है? हाँ पढ़ सकते हो यार, पढ़ना शुरू तो करो, अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 0.7 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज आती है, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर बेटा एवरीवन? फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप ऑफ द जर्मेनियम क्रिस्टल एट 0 केल्विन। 60 सेकेंड्स, यू आर हैविंग दोज हु आर लाइव। कौन एवरीवन? दो दो लाइव। जर्मेनियम क्रिस्टल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 केल्विन पे, राइट, उसकी एनर्जी बैंड गैप, ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं, राइट। सो ये 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वुड बी द परफेक्ट आंसर, राइट। 0.7। यूनिवर्सल गेट कौन सा है? 60 सेकेंड्स, यू आर हैविंग कवन एवरीवन दो दो लाइव। यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है? कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव। नैंड एंड नॉर गेट्स आर द यूनिवर्सल गेट। नैंड एंड नॉर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स, राइट। इन्वर्टर गेट किसको बोलते हैं? 60 सेकेंड्स, यू आर हैविंग इन्वर्टर गेट किसको बोलते हैं? कम ऑन एवरीवन दोज हु आर लाइव।
राइट, इन्वर्टर गेट नॉट गेट को बोलते हैं, राइट right? जीरो है तो आउटपुट वन देगा, वन है तो आउटपुट जीरो दे देगा, राइट right? NOR gate is a OR gate followed by 60 seconds you are having those who are live. Less than 20 seconds remaining. Come on, everyone, those who are live. राइट right. नॉर हो जाएगा और प्लस नॉट राइट. चलो इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिए दोज़ हू आर लाइव. क्लियर है एवरीवन? राइट, द नैंड गेट इज एंड गेट. बस ये आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का. ओके द नैंड गेट राइट इज फॉलोड बाय एंड प्लस नॉट. चलो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं. एवरीवन दोज़ हू आर लाइव, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे. चलो पर आज के लिए इतना ही रखते हैं. ओके गाइज, अगर आप किसी भी एजुकेटर की किसी भी कैटेगरी के क्लास को फ्री में अनलॉक करना चाहते हैं, राइट, किसी भी एजुकेटर की क्लास को फ्री में अनलॉक करना चाहते हैं स्पेशल क्लास को, तो भाई ये मेरा कोड है, राइट. किसी भी एजुकेटर की कोई भी क्लास को अगर आप फ्री में अनलॉक करना चाहते हैं भाई, तो ये मेरा कोड है. आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है, लॉगिन कर लेना है, मेन्यू बटन को प्रेस कर देना है और इस कोड को एंटर कर देना है. हर एक एजुकेटर की कोई भी कैटेगरी की क्लास को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, राइट, है ना, इस कोड को डाल के. इंद्रजीत याद रख देना भाई. क्विज प्ले एंड विन भाई, बहुत सारे तरीके हैं, राइट, डिस्काउंट प्राप्त करने से. एक हमारा कोड रहता है जिससे आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो. दूसरा, एक क्विज, अगर आप रोज क्विजेज होते हैं हर एक एजुकेटर की तरफ से, अगर आप एक क्विज खेलते हो सही जवाब देने पे 4000 से 5000 पॉइंट जीतने का मौका मिल सकता है. और उस सिचुएशन में अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 1 रूपी. आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है, मेन्यू बटन सिलेक्ट करना है, टेस्ट को सिलेक्ट करना है, ज्वाइन क्विज एंड होस्ट में राइट एजुकेटर का कोड डाल देना. चलिए भाई, जाने का वक्त हो गया है, कल फिर मिलेंगे, कल शायद शाम को मिलेंगे 6 बजे मन की बात के साथ, राइट. दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क, राइट, है ना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क. बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते फ्रॉम माय साइड बच्चा. बाय एवरीवन, स्टे एट होम, स्टे सेफ. बाय बच्चा.